हाय बच्चों, कैसे हैं? आपका स्वागत है महिंद्रा देवरिया ब्रांच के ऑनलाइन पोर्टल पर, यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर्स की एक सीरीज चल रही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें अभी तक घड़ी का एक पार्ट चल चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जल प्रतिबिंब, या यूं कहें वाटर इमेज, वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब या इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज, ज्ञात करना बताया गया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है तो दिए गए समय को किससे घटाया जाता है? दिए गए समय को 1160 में से घटाया जाता है। किससे घटाया जाता है? 1160 में से घटाया जाता है। और जब जल प्रतिबिंब पता करना होता है तो दिया गया समय किससे घटाया जाता है? 1830 में से घटाया जाता है। 1830 या 1790 में से घटाया जाता है। ये दोनों चीजें एक ही हैं, इतना हम पढ़ा चुके थे, इस पे सवाल करा चुके थे। चलिए, इसके बाद क्या है, कौन सा सवाल है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। घंटे की सुई की चाल, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। घंटे की सुई सुई की चाल मिनट के सुई की चाल क्या है? इन दोनों चालों में अंतर। घंटे की सुई किस हिसाब से चलती है, मिनट की सुई किस हिसाब से चलती है, इसको देखेंगे। देखो भाई, घड़ी जो होता है वो पूरा, अगर जो कोई भी सुई एक बार पूरा चक्कर लगा ले तो कितने डिग्री चलती है? 360 डिग्री चलती है। 360 डिग्री, जब 360 डिग्री ये घंटे वाली चलती है, यानी पूरा एक चक्कर जब लगाती है, जब 12 बजे से गया फिर 12 बजे पे आए, तो घंटे की सुई लगभग कितना समय ले लेती है 360 डिग्री चलने में, पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री चलने में घंटे की सुई लगभग कितना समय लेती है? लेती है भैया 12 घंटा। यानी 12 घंटे में घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर घड़ी का लगा जाती है, जिसको कहते हैं 360 डिग्री चल चुकी है। यूं कहें तो 1 घंटे में कितना चलेगी भाई साहब? 360/12 कट जाएगा 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितना चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी, या यूं कहें 60 मिनट में कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो भाई साहब, 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में चलेगी 30/60, यानी जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। हमारा मेन मोटिव बताने का ये था, ये जो घंटे वाली सुई है होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है। तो भाई साहब, 1 मिनट में कितना चलती है घंटे की सुई? 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2 डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। अब आते हैं मिनट वाली पे। मिनट वाली भी पूरा चक्कर कभी ना कभी लगाएगी 360 डिग्री का। मिनट की सुई भी एक बार 12 से है फिर 12 पे आए, उतना आने के लिए, उतना चलने के लिए, 360 डिग्री चलने के लिए वो लगभग कितना समय लेती है? 1 घंटा लेती है। कितना लेती है? 1 घंटा। घंटे वाली 12 घंटा लेती है, लेकिन मिनट वाली एक चक्कर लगाने के लिए 1 घंटा लेती है। 12 से 12 पे आया, 1 घंटा बीत जाएगा। जैसे 1 बज रहा है तो 1 कैसे बजेगा?
गलती हो गया। जैसे मान लीजिए एक बज रहा है, अब मिनट की सुई यात्रा तय करेगी अपना, धीरे धीरे आगे चलती जाएगी, 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 फिर जब 12 पे आएगी तो घंटे वाली 2 पे हो जाएगी। मतलब 1 घंटा जब बीतेगा, एक चक्कर क्या कर लेती है, मिनट वाली सुई लगा लेती है। यानी कि यूं कहें 60 मिनट में कितना लगाती है, 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो भैया 1 मिनट में कितना चलती है, ये 360/60 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चल जाती है, 6 डिग्री चल जाती है, 6 डिग्री। बस यही याद रखना था कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री तय करती है दूरी। इसी कॉन्सेप्ट पे कई सारे सवाल आपके आएंगे। जैसे पहला सवाल है, आपका पहला सवाल है, 2 से 4 के बीच, 2 से 4 तक घंटे की सुई सुई और मिनट की सुई, कितनी दूरी तय करेगी, घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो भाई साहब एक बात बताइए, 2 से 4 के बीच घंटे में तो कर नहीं पाएंगे। ध्यान से देखते हैं, 2 से 4 के बीच कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं, 2 आवर होते हैं, लेकिन हमको मिनट में बदलना पड़ेगा। 2 आवर यानी कि 120 मिनट। अब हम कुछ काम कर सकते हैं, 120 मिनट, 1 मिनट में, पहले घंटे वाले देखते हैं, 1 मिनट में ये कितना चलती थी, भाई साहब आधा डिग्री चलती थी केवल, तो 120 मिनट में कितना चलेगी, 120 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 × 120, यानी कि कितना चलेगी, फाइनली कितना चलेगी, 60 डिग्री चलेगी। यानी कि 2 घंटे में, दोपहर 2 से 4 के बीच, दोपहर की बात छोड़िए, 2 से 4 के बीच घंटे की सुई लगभग कितना चलेगी, 60 डिग्री चलेगी। आपको पहले भी बताए थे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 60 डिग्री। वहां से भी निकाल लिए और यहां से भी आपको पता है। अच्छा मिनट वाले माते हैं, हमारे मिनट वाली 1 मिनट में कितना चलती थी, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री चलती थी, 6 डिग्री। तो भाई साहब 120 मिनट में कितना चलेगी, 6 × 120, 720 डिग्री, ये होगा इन सब का आंसर। 2 से 4 के बीच घंटे की सुई कितना चलेगी, 60 डिग्री, और मिनट की सुई कितना चलेगी, 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका टाइप नंबर टू। कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। सबसे पहले क्या पता किए थे, प्रतिबिंब, अब की बार क्या पता करेंगे, एंगल। अगर जो हमको एंगल पता करना है, यानी थीटा पता करना है, तो एक सूत्र लगाना पड़ेगा, 30 × घंटा, 30 × घंटा डिफरेंस, डिफरेंस 11/2 × मिनट। इस सूत्र से किसी भी समय पे, जैसे कह दिया 7:30 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल यही ले लेते हैं,
पहला सवाल यही ले लेते हैं कि अगर जो घड़ी में 7:30 हो रहा है, अच्छा यही ले लेते हैं पहला प्रश्न कि अगर जो घड़ी में 7:30 हो रहा है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। भाई साहब ऐसे नहीं बता सकते, सूत्र से बता सकते हैं। क्या करना है, यही थीटा रखना है, थीटा बराबर 30 × घंटा, डिफरेंस 11/2 मिनट। तो चलिए आगे चलते हैं। 30 × घंटा मतलब 30, अब घंटा में तो यही वाला आता है, आवर वाली यही है ना, आवर यही होता है, तो 7 लिख देते हैं। डिफरेंस 11/2 मिनट मतलब 30, जो मिनट की जगह पे दिया है 30। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21, 210। 7 × 21 210, डिफरेंस 15 × 15, 15 × 15 = 16। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 40, 35, 10, 45, 45 डिग्री। लेकिन एक बात यहां और भी है, ध्यान से देखिए, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अगर जो 7:30 ऐसे ना, 7:30 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 45 डिग्री बन रहा है एक समय में, तो एक कोण और बनता है। ये तो अंदर से हो गया, एक कोण बाहर से भी बनता है, ये कितना होगा। भाई दो कोण बनेंगे, एक अंदर से और एक बाहर से, तो ये कितना होगा। ये 360 में से अगर जो 45 घटाएं तो पता लग जाएगा कितना होगा। अरे भाई पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, अंदर से 45 बना तो बाहर से कितना बनेगा, बाहर से 315 बनेगा। यानी दो कोण एक समय में बनते हैं, किसी भी टाइम में दो कोण बनते हैं, एक अंदर से एक बाहर से। बार बार पूछ लेता, बाह्य कोण बताइए, अंदर अंदर कोण बताइए, केवल 0 और 180 पे ये नियम लागू नहीं होता है। बहुत अच्छा, इसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो आपको बताएंगे कि सवाल इसका किया कैसे जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 5:10 पे कितना कोण बनेगा, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच। फिर है 12:30 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। फिर एक समय और देते हैं, 7:46 सही 4/11 को भी आप कोण में बदलिए कि कितना कोण बनेगा इन दोनों के इस समय में। अब होता क्या है, हमको पता है थीटा बराबर क्या होगा, 30 × घंटा, डिफरेंस 11/2 मिनट। रख देते हैं, 30 × घंटा की जगह क्या है, 5 है, सबको पता है, घंटा मतलब आवर की जगह पे क्या है, 5 है, डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस लगाते क्यों हैं, ये बात समझिए। माइनस, कई किताबों में माइनस मिलता है पर हम नहीं मानते, हमारा मानना है कि डिफरेंस लगाओ। डिफरेंस इसलिए लगाया जाता है, कभी इसका मान बड़ा आ गया तो आपका एंगल माइनस में ना आए, क्योंकि कोण कभी माइनस में नहीं होता, माइनस में कोण डालने पे सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 11/2 मिनट, मिनट कितना है भाई, 10 है, कितना आएगा, 150, डिफरेंस 55, तो कुल कितना आ जाए, 95 डिग्री। और 95 डिग्री तो भाई अंदर से बनेगा, अंतः कोण है, बाह्य कोण कितना होगा, 360 में से घटा दो 95, 360 में से 95 घटा दो, कितना बचेगा, 5 और 15 में से 9 हो गया 6 और 2, यानी बाहर से कितना बनेगा, 265 डिग्री। दो कोण बनेंगे हमेशा, एक अंदर से एक बाहर से, जैसा कि अभी बताया गया था। अब इस पे चलते हैं, 12:30 पे
12:30 पे भी वही 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 लगाएंगे सूत्र, 30 गुणे घंटा, डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट। चलिए भाई देखते हैं, 30 गुणे घंटा, घंटा की जगह क्या है 12। अब 12 की जगह पे हम बताए थे आपको क्या ले सकते हैं, आप 0 0 ले सकते हैं, जैसा रेलवे स्टेशन पर रहता है 0 ले सकते हैं। डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट, 30 दिया है ना, गुणे 30 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ यही हल कर लेते हैं, 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16, यानी कितना आएगा। अब यहां से देखिए ध्यान से, ये 0 है, 165 है, अगर जब माइनस होता तो मान माइनस में आने लगता, क्योंकि कोण कभी माइनस में नहीं आता जो कि गलत होता है। तो हम क्या करेंगे, 12:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 165 डिग्री का बनेगा हमेशा। सही है, और एक कौन बनेगा, एक बाहर से भी बनेगा जो कि कितना होगा, 360 में से 165 घटाइए, 5 और 6 गया 9, 195 डिग्री, 195 डिग्री बनेगा। उसके बाद आते हैं इस वाले पे, इसका क्या सीन है, ये लोग कहेंगे सर बड़ा कठिन है, सही बटे में दिया है, इधर उधर का दिया है, कुछ नहीं, देखते हैं क्या है। इसका भी वही सीन है, 30 गुणे घंटा, डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट। चलिए देखते हैं, 30 गुणे घंटा, घंटा की जगह क्या है भाई, 7 है, 7 लिख देंगे। डिफरेंस 46 सही 4/11 को जब हम तोड़ेंगे तो 510/11 आएगा हमेशा, गुणे मिनट के, सॉरी मिनट कितना दिया है, 510/11 मिनट हो गया, इधर कर देते हैं, ये तो भ्रमित हो जाएंगे आप लोग, 11/2 तो था ही, जब मिनट को तोड़ेंगे तो 510/11 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, ये क्या हो जाएगा, 7 * 3 = 21, 210, और जब 2 से 510 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 * 2 = 4, 2 * 5 = 10, 2 * 5 = 10, 255, माइनस माइनस क्या रखें, डिफरेंस ही रखेंगे, डिफरेंस 255। अब बताइए 255 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा, डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि बड़े में से छोटा घटाना, लेकिन प्लस या माइनस का कोई विशेष अंतर न पड़े, हमेशा मान प्लस में आए, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, और बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 315। अब आप लोग चकराएंगे, अब आप लोग को चकराना पड़ेगा, अगर जो ध्यान से क्लास लिए हैं तो आप चकराएंगे जरूर। ध्यान से सोचिए क्यों चकराने के लिए बोल रहे हैं, ये टाइम देख रहे हैं, 7:46 से 4/11 मिनट, उसमें घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बना है, और ध्यान से देखिए इस वाले सवाल को जो पहले लगवा चुके हैं, 7:30 बजे का समय, इसमें भी कितने का कोण बना है, 45 डिग्री का कोण बना है, ये कैसे हो सकता है कि एक बार 7:30 बजे भी वही कोण बन रहा है और 7:46 सही 4/11 मिनट पे भी वही कोण बन रहा है। तो भाई साहब बात समझिए कि असल में क्या हुआ है, यहाँ पे असल में आप एक घड़ी को बनाइए, ज्यादा समझ पाएंगे, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, एक बार वो कोण कब बना था, 7:30 बजे, 45 डिग्री का कोण एक बार कब बना था, 7:30 बजे, तब क्या था मामला, 7:30 बजे मिनट की सुई ऐसे आई होगी और यहां आके रुकी होगी, तब बना होगा 45 डिग्री, और एक बार कब बना, एक बार लगभग यहां बना है 45 डिग्री, यानी कि 0 और 180 को छोड़ के बाकी कोई भी कोण हो, हर घंटे में 2 बार बनता है, एक बार मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करे उससे पहले, और एक बार पार कर जाए उसके बाद बनता है। यही 45 डिग्री 7:30 पे भी बना, 7:30 मिनट पे भी बना, और यही 45 डिग्री 7:46 सही 4/11 मिनट पे भी बना, कोई भी कोण हो
दो बार बनता है, 0 और 180 को छोड़कर। वो स्पेशल केस है, उसका डिस्कशन अगले क्लास में किया जाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। जैसा कि टाइप नंबर 2 आपको बता दिया गया, एंगल ज्ञात करना बता दिया गया, बाकी कोई कमी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। धन्यवाद।